आज हम बनाने वाले हैं वेज कबाब पराठा। इसको हम स्ट्रीट स्टाइल बनाएंगे। इस वीडियो में आपको आज तीन रेसिपी देखने को मिलेगी और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड़िया। cookingexam.in पर आपका स्वागत है। तो चलिए फिर बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है राजमा और चने की दाल। इन दोनों को मैंने रात भर सोख करके रख दिया था। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले भी, जिसमें जायफल, जावित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कुछ लौंग और कुछ काले मिर्च। ये सारे मसाले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। और यहाँ पर इसको हम कुकर में डालकर सीटी लगाएंगे 6 से 7। राजमा साथ में है, राजमा पकने में समय लेता है, इसलिए हम इसे 6 से 7 सीटियाँ लगा देंगे। और यहाँ पर हम कुकर को बंद कर लेते हैं और इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। इधर हम सीटी लगा रहे हैं और यहीं पर हम ले रहे हैं सोया बड़ी। तो सोया बड़ी को हम यहाँ पर लेंगे और इसको भी हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी महक होती है, तो महक हमें इसकी निकालनी है। और इसको हम निकालेंगे बॉयल करके और अच्छे से स्ट्रेन करके। स्ट्रेन अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, जिससे इसकी महक उड़ जाए। तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा दबा लेंगे कलछल से या अपनी मुट्ठी से, जैसे भी हमको इजी पड़े। और इसे अब हम रख देते हैं साइड। यहाँ पर हमने लिया है मैदा, थोड़ा सा नमक, रिफाइंड और दही। यहाँ पर हम इस आटे को पूरा पूरा दही से ही गूंदेंगे, जिससे कि हमें कम ऑयल की ज़रूरत पड़े। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा दही डालकर। दही डालने से होता क्या है कि जो हमारा डो बनता है बहुत ही फ्लफी बनता है और बिल्कुल सॉफ्ट बनता है, और थोड़ा सा खिंचने वाली क्वालिटी भी आ जाती है। तो ये देखिए, इसे अभी हम सेट करने के लिए रखेंगे। उससे पहले ये देख लीजिए कितना मैंने गीला गुदा हुआ है। तो इतना ही हम गुदेंगे। अब इसे हम ढककर छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमने ले लिया है रिफाइंड ऑयल, थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं चटनी। जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज। थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम चटनी बना रहे हैं। और इसको हम भूनेंगे ब्राउन होने तक। और इस चटनी को बनाने के लिए लो फ्लेम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इसको हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, जिससे अच्छे से हमारी चटनी कुक हो जाए। और यहीं पर हमने ऐड कर लिया है थोड़ा सा बेसन। तो बेसन हम थोड़ा ही डालेंगे, आप चाहें तो इसकी जगह पे टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बेसन डाल रहे हैं और थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें चटनी को थिक बनानी होती है। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता, लेकिन इसे एक अच्छा सा कलर मेंटेन ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको भी मिक्सअप कर लेते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़रूर से डालेंगे। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो यहाँ पर हम डाल देंगे पानी, क्योंकि हम बना रहे हैं चटनी। तो इससे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और ये दोनों चीज़ें डालकर थोड़ा सा और अच्छे से भूनकर यहाँ पर हम पानी डालेंगे। और अगर आप बात करिए इस चटनी की, तो इस चटनी को आप मोमोज के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और कबाब रोल के साथ तो और अच्छी लगती है, क्योंकि जो हमारा कबाब रोल होता है माउथ मेल्ट बनता है, तो माउथ में मेल्ट होने के लिए ये चटनी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है हमारी इस तरीके से जो रोल बनते हैं। तो इसको ज़रूर से बनाएंगे अगर आप कबाब बना रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर पकने देते हैं 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और यहाँ पर ये देखिए अच्छे बबल्स आ रहे हैं, कितना प्यारा कलर आया है, और ये कंसिस्टेंसी मैंने रखी हुई है। थोड़ा तीखी होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि भी ठंडा होगा तो हल्का सा थीक अपने आप ही हो जाएगा। तो इतना ही रखेंगे और यहीं पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो राजमा और चना और मसाले थे वो भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, और पूरा का पूरा पानी जो है वो यूज़ हो गया है। थोड़ा सा पानी रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पानी डालकर ही इसे पीसते हैं। और इसे हम डाल लेते हैं अपने मिक्सर में। साथ ही साथ हम ले लेंगे यहाँ पर सोया बड़ी भी, लहसुन, थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने टेस्ट से रखें, और इसको भी हम पीस लेते हैं। और पीसने के दौरान हम पानी ज़रूर से ऐड करेंगे, पानी को डाल डालकर हम पीसेंगे।
तो ये देखिए मैंने इतना ही इसे गीला रखा है, थोड़ा गीला ही होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड बना देंगे तो फिर टिक्की बन जाएगी आलू की, फिर उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसे मेल्ट होने वाला बनाना है। जैसे आप गलौटी कबाब बनाते हैं, गलौटी कबाब जो होता है थोड़ा सा माउथ मेल्ट वाला बनता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है, सबसे पहले रिफाइंड ऑयल अपने हाथ में अच्छे से लगा लिया है, और फिर चाहे आप ऐसे टिक्की बना लीजिए। और चाहे तो आप ऐसे लड्डू बना लीजिए, क्योंकि इतने ये ढीले हैं, इतने सॉफ्ट हैं ये, कि आप इसे इजिली कलछुल से बाद में भी हैंडल कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आप कढ़ाई पैन कुछ भी यूज करिए, लेकिन अच्छा सा टेस्ट तभी आएगा जब आप इसे लोहे की कढ़ाई बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको स्ट्रीट स्टाइल थोड़ा सा लुक दिया है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है थोड़ा सा रेड कलर, और रेड कलर को यहाँ पर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, यहाँ पर सिर्फ दो ही बना रहे हैं, स्ट्रीट स्टाइल और बाकी हमने सिंपल रखा है। आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए जो स्ट्रीट वाले होते हैं मसाला थोड़ा सा कम ही यूज़ करते हैं, पूरा का पूरा गेम कलर का होता है, और ये देखिए कोई कमी नहीं लग रही है। और ये देखिए हमारी चटनी भी इधर ठंडी हो चुकी है, तो इसको भी हम रख देते हैं अभी। आप इसको मोमो के साथ भी एक बार सर्व करके ज़रूर देखिएगा। और इधर जो हमारा आटा है रेडी हो चुका है, तो इसके भी मैंने चार टुकड़े कर लिए इस तरीके से इक्वल साइज़ में, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, पतला बनाएंगे और लंबा बनाएंगे। जितना भी आप पतला इसको बेल सकते हैं उतना बेलिए। आप अगर इसे रिफाइंड से बेल सकते हैं तो आप रिफाइंड लगाकर या कोई भी ऑयल लगाकर बेल लीजिए, अदरवाइज आप थोड़ा सा पाउडर ये आटे का डस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी जिसे आपको ईजी पड़े। तो इसको मैंने इस तरीके से बड़ा बना लिया है, और बिल्कुल पतला होना चाहिए तभी असली मज़ा आएगा पराठा रोल खाने का। यहाँ पर ये मैंने ले लिया है लोहे की कढ़ाई, गरम होने देते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और बिल्कुल भी हमारी कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पूड़ी या पराठा नहीं बना रहे हैं, हम बनाएंगे वेज रोल। उसके लिए सिर्फ स्मोक ले आने के लिए हम यहाँ पर ऑयल को यूज़ करना है, और कोई पर्पज नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाते जाएंगे किसी कपड़े के हेल्प से, अपने हाथों का खास ख्याल रखते हुए। और देखिए कितने टेस्टी हमारे रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। ऐसे ही हमें एक और बना लेते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। अगर आपके पास दांत नहीं है तो भी आप इसे बनाकर इजिली खा सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। और यहाँ पर हमने फिर से वही प्रोसेस कर लिया, थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको इस तरीके से फैला दिया है। आप चाहें तो उल्टी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन वो अशुभ माना जाता है, इसीलिए हमने सीधी कढ़ाई को यूज़ किया है। और ये देखिए हम पलट पलट कर इसे सेंक लिए हैं, और ये यहाँ पर रुमाली रोटी फूलने लगी है। तो यहीं पर तो एक लाइक बनती है, ज़रूर से एक लाइक करते जाइएगा। और यहाँ पर देखिए कितनी टेस्टी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहीं पर हम आगे का काम प्रोसेस करते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा डालेंगे फिर से रिफाइंड, और यहाँ पर हम डाल देंगे टिक्की। ये टिक्की मैंने बिल्कुल लड्डू शेप में किए हैं, और देखिए कितने इजीली ये दब जा रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम इसको थोड़े से गीले ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया तो आलू की टिक्की बनेगी। हमको इसको क्रंच भी देना है लेकिन गीले के साथ। तो इसे हम इसे ऐसे अलट पलट कर थोड़ा सा सेंक लेंगे, और सेंकने से सोंधापन आ जाता है, तो इसे ज़रूर से सेंकिएगा, बिना सेंके इसे हम सर्व नहीं करते हैं। वैसे अब हम आपको रोल बनाकर दिखाते हैं, उसके लिए मैंने ली है रोटी कबाब और लाल वाली चटनी, और ये है हरी चटनी। हरी चटनी मैंने आपको नहीं दिखाई है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, लेकिन इसकी रेसिपी भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने पहले ही डाल रखी है। और यहाँ पर ये देखिए कितने ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं ये, तो इतना ही गीला रखना है जिससे कि ये सॉफ्ट बने। और यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा प्याज भी, प्याज से ही सर्व करते हैं इसे। और ऐसे रोल बना दिया मैंने आपके लिए, तो एक बार इसे बनाइएगा ज़रूर, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और यहाँ पर ये लखनवी स्टाइल हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने फिर से चटनी ले ली है सारी की सारी, कबाब ले लिया है, और ये मैंने सर्व कर दिया है प्लेट पर। तो आपके पास